एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं ऋषभ, अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाई आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम 10 साइंस का चैप्टर नंबर कौन सा डिस्कस करने वाले हैं भाई? चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या? हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और तापमान के बारे में। हमने MCQs डील कर रखा है भाई, एक नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले थे उस पर हमने पूरा चर्चा कर रखा है भाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, मतलब जो 2 नंबर और 3 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और जो बच जाएगा उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे भाई। तो आज हम चर्चा करेंगे, आज मेन रूप से हम फोकस करेंगे जो न्यूमेरिकल आती है, मतलब जो अंक गणितीय आती है आपका, आंकिक प्रश्न आता है उस पर आज चर्चा करेंगे मेन रूप से। अब वो किस में आती है सर? वो आता है जैसे फारेनहाइट से आपको केल्विन में बदलना है, केल्विन से आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, उस पर जो क्वेश्चन आती है उस पर आज मुख्य रूप से चर्चा करेंगे भाई। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते, लेट नहीं करते भाई। आज स्टार्ट करेंगे हम हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। हीट एंड टेम्परेचर क्या है सर? पूरा जानकारी मैंने दे रखा है भाई। चालन होती है, संवहन होती है, विकिरण होती है, और कैसे इसका क्या होता है भाई, कैसे एक टेम्परेचर दूसरे टेम्परेचर में बदलता है, कैसे इसका जो इफेक्ट हमारे डेली लाइफ में होता है इसके बारे में भी मैं चर्चा कर रखा हूँ भाई। और कुछ जो क्वेश्चन बच गया उसको जानकारी भी हम आप इस लेक्चर में देंगे, और आने वाले कंटिन्यू इस लेक्चर में हम करते जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गया था भाई। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं सर। क्वेश्चन क्या आया था भाई? ऊष्मीय चालक क्या है? हीट का जो कैसे कंडक्शन होता है, कैसे चलता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। 2022 में ही पूछा गया था बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन। और ऊष्मीय चालक क्या है ये भी पूछा गया है, ये रिपीट भी हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो क्या होता है सर ऊष्मीय चालक, उसके बारे में चलते हैं। ऊष्मीय चालक ऐसे पदार्थ है जो ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करते हैं, जैसे कि लोहा और तांबा। लोहा क्या है भाई? लोहा एक ठोस पदार्थ ही है, लोहा एक तत्व है, तांबा एक तत्व है। और मैंने बात कर रखा था कि चालन की जो प्रक्रिया है ना, वो कहाँ होती है? ठोसों में होती है। तो ये क्या डेफिनेशन समझ में आया भाई? तो ऊष्मीय चालक किस में होती है? लोहा और तांबा में। यहाँ तक की बात समझ में आई भाई? और ऊष्मीय चालक ऐसे पदार्थ है जो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है भाई, संचरित कर देता है। यहाँ तक की बात समझ में आया? क्लियर, ऊष्मीय चालक समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब ऊष्मीय कुचालक। अब देखो चालन तो समझ में आया, चलना ऊष्मा का। अब कुचालक क्या होगा सर? इसमें प्रवाह ही नहीं होगा, जैसे कि लकड़ी और रबर के एग्जांपल दे सकते हैं। देखते हैं डेफिनेशन, ऐसे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा का प्रवाह नहीं होने देता है उसे बोलते हैं लकड़ी या फिर रबर, जो इसके एग्जांपल है। अब ऐसी एक नया शब्द आता है भाई, क्या नया शब्द आता है सर? क्या ऊष्मा रोधी पदार्थ क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखो ऊष्मा कुचालक, ऊष्मा चालक तो देख लिया, रोधी क्या बोलता है? रोधी का मुख्य मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो अपने में से किसी भी परिस्थिति में, कोई भी कंडीशन रहे ना, चाहे वो तोड़ो मरोड़ो या फिर कुछ भी करो, उस कंडीशन में ऊष्मा का प्रवाह होने नहीं देता, जिसे क्या बोलेंगे बच्चों? हम बोलेंगे क्या उसको? बोलेंगे ऊष्मा रोधी पदार्थ कहलाता है। क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल है एस्बेस्टस। ये एस्बेस्टस क्या चीज है सर? ये जो है ऊष्मा रोधी का ही एग्जांपल है, लेकिन इसका यूज कहाँ होता है? जनरली इसका यूज होता है सीमेंट वाले जगह है ना, सीमेंट के यूज में किया जाता है। जैसे मैं बात करूँ इसको, तो एस्बेस्टस क्या होता है? यह प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला क्या है? एक रेशेदार खनिज पदार्थ होता है। इसके अंदर ऊष्मा रोधी पदार्थ के गुण होते हैं। देखो ये प्राकृतिक रूप से नेचुरल में ही पाया जाता है, इसको ना आपको फाइंड करना है तो नेचर में ही जाना पड़ता है। इसके लिए बहुत सारा विवाद भी होता था, गवर्नमेंट भी इस पर बहुत सारा पॉलिसी था, बहुत सारा इसका रूल्स रेगुलेशन था, लेकिन अब बैन हो गया इस चीज पे, है ना। एस्बेस्टस की संरचना में कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट और थोड़ी मात्रा में एल्यूमिनिया और आयरन ऑक्साइड उपस्थित होते हैं। सबसे अधिक एस्बेस्टस कनाडा में पाया जाता है बच्चों। ठीक है, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा एस्बेस्टस जो है प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला है एक रेशेदार खनिज पदार्थ होता है, रेशे के रूप में रहता है, खनिज पदार्थ होता है, जो कि ऊष्मा रोधी का एग्जांपल है। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आया भाई? आगे बढ़े, अब देखते हैं सर ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2022 में पूछा गया था भाई, ए सेक्ट में, है ना। चलो ठीक, अब देखते हैं सेल्सियस फारेनहाइट केल्विन में न्यूनतम व अधिकतम ताप को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए, जो कि 2022 में तीनों सेट में पूछा गया है भाई। सेल्सियस क्या है भाई? तापमान मापने का पैमाना है, जिसको 3 भागों में बांट सकता हूँ। कौन कौन सा? सेल्सियस में होता है और केल्विन में होता है, और दूसरा तीसरा होता है क्या? तीसरा होता है फारेनहाइट में, है ना। ये तो बारे में चर्चा कर ही रखा हूँ मैं इसके बारे में। अब ये होता क्या है, इसको अगर डायग्राम में देखा जाए तो चलो देख लेते हैं भाई। डायग्राम में कैसे अगर वर्णन करना है तो देखो, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ सेल्सियस स्केल का। तो सेल्सियस स्केल में क्या होता है सर? 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। क्या उसका पैमाना? अभी क्या होता है सर, 0 डिग्री सेल्सियस क्या बोलता है? वह ताप जहां से पदार्थ जो है क्या हो जाए भाई, जमना स्टार्ट हो जाए, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं जिसे। जमना स्टार्ट मतलब क्या? टेम्परेचर कम होना, न्यूनतम। वह न्यूनतम ताप जिससे क्या हो जाए भाई, वह न्यूनतम ताप जिससे कोई पदार्थ जो है वो क्या होने लग जाए, वो जो है ठोस बनना चालू कर दे, या फिर वो जो है क्या होने लग जाए, ठंडा होने लग जाए,
है ना, या फिर जमना चालू हो जाए, वो होता है न्यूनतम पॉइंट, क्या भाई, आइस पॉइंट मुझे बोलते हैं, वो 0 डिग्री सेल्सियस है। वैसे ही इसका कितना होगा बच्चों फारेनहाइट का, वो होता है 32 डिग्री फारेनहाइट। उसका न्यूनतम पॉइंट कितना है सर, फारेनहाइट पैमाना का न्यूनतम टेम्परेचर कितना है, 32 डिग्री फारेनहाइट। वैसे मैं बात करूं केल्विन का, वो कितना होता है सर, 273 केल्विन। लिख दूं क्या एक बार, चलो मैं लिख देता हूं भाई, 0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम पॉइंट की बात कर रहा हूं ना मैं, मिनिमम पॉइंट बोल सकता हूं, मिनिमम पॉइंट है ना, 0 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस की बात कर रहा हूं, तो फारेनहाइट की बात करूं तो वो कितना होता है भाई, 32 डिग्री फारेनहाइट। क्लियर। अब मैं बात करूं किसका, अब मैं बात करता हूं ये जो आपका बच गया केल्विन, वो कितना होता है सर, वो होता है 273 केल्विन। यहां तक की बात क्लियर हुई। अब ये हुआ क्या सर, ये हुआ आइस पॉइंट, मतलब मिनिमम न्यूनतम जो तापमान जिसके बाद वो क्या हो जाए भाई, वो जमना स्टार्ट हो जाए, जब वो टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होता है, सबसे न्यूनतम जिसके बाद वो बर्फ बनना चालू हो जाता है, ये बोल सकता हूँ। अब मैक्सिमम पॉइंट जिसके बाद वो क्या हो जाए, वो वाष्पन की क्रिया कर दे, या फिर ये बोलूं कि वो जो है उबलना स्टार्ट हो जाए, खौलना स्टार्ट हो जाए, है ना, साफ शब्दों में बोलूं तो, जैसे चाय बनाते हैं हम लोग, चाय बनाते हैं तो क्या होता है भाई, कब वो इवेपोरेट होता है, कब वो वाष्पीकृत होता है, या फिर कब जो भाप बनना चालू होता है ना, तो एक टेम्परेचर होता है मैक्सिमम, उसके बाद ही होता है ना। तो अगर मैं बात करूं सेल्सियस में बात करूं तो कितना होगा भाई, मैक्सिमम पॉइंट लिख दूं क्या, मैक्सिमम पॉइंट, चलो बताओ भाई क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में बात करूं तो सर 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या हो जाता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका मैक्सिमम कितना हो बच्चों, स्टीम पॉइंट लिखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। अब 212 कितना होगा भाई, 212 किसका है, ये हुआ आपका फारेनहाइट स्केल का, 32 डिग्री फारेनहाइट से 212 डिग्री फारेनहाइट, 212 डिग्री फारेनहाइट। क्लियर हुआ। और क्या बच गया, और क्या बच गया भाई हमारा, क्या केल्विन, केल्विन क्या होता है भाई, केल्विन क्या, अच्छा ये पता है ना आपको, फारेनहाइट भी एक साइंटिस्ट के नाम पे है, केल्विन भी एक साइंटिस्ट के नाम पे है, तो ये क्या कैपिटल के कैपिटल एफ और कैपिटल सी से इन सबको व्यक्त किया जाता है ना, और किसी भी यूनिट को जो है वैज्ञानिक पे नाम पे रहे तो उसको बिल्कुल क्या किया जाता है भाई, कैपिटल में व्यक्त किया जाता है ना, ये पता ही है आपको। और ये 373 केल्विन, ठीक, क्लियर हुआ। ये हुआ मिनिमम पॉइंट, ये हुआ उसका मैक्सिमम पॉइंट। क्लियर समझ में आया बच्चों। अब डिफरेंस कितने कितने सर देख ले, इसमें कितना डिफरेंस है बच्चों, 100 से 0 को घटा दो कितना निकलेगा, 100 डिग्री का, ठीक है डिफरेंस। और इसमें कितना है, 32 घटा दो कितना आएगा भाई, 212 और 32 देखो तो 200 200, फिर ये हो जाएगा 180 का, कितने का डिफरेंस है, 180 का डिफरेंस है। और इसमें कितना है, 273 373 में 100 का डिफरेंस है। क्लियर हुआ, यहाँ तक की बात समझ में आई भाई। अब ये है सर, ये केल्विन स्केल का हो गया, ये दर्शाओगे आपको तुरंत 3 नंबर मिल जाएगा भाई, ठीक है क्लियर। अब इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी होता है, इस पर चर्चा करते हैं सर। इसके माध्यम से हम केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को डिग्री में, सॉरी सेल्सियस को फारेनहाइट में, फारेनहाइट को केल्विन में, ये सब बदल सकते हैं, इससे क्वेश्चन आता है भाई। चलो देखते हैं सर क्या शॉर्टकट बोर्ड है वो, चलो देख लेते हैं। ये होता है सर, डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट माइनस 32/9 इज इक्वल टू के माइनस 273/5। ये है फार्मूला, अगर मैं लिखूं साफ साफ ये भी बोल सकता हूँ, डिग्री सेल्सियस ये कितना था भाई, 100 का डिफरेंस था, ये कितना था, डिग्री फारेनहाइट माइनस 32, ये कितना डिफरेंस था, 180 का डिफरेंस था, और ये कितना था भाई, के माइनस 273 डिफरेंट कितना था, उसको पहले लिख लो कितना आएगा, 100। चलो सबको बारी बारी से किससे भाग दो भाई, सबको बारी बारी से देखो, ये अगर मैं साफ साफ बोलूँ तो 20 का पहाड़ा आता है आपको, तो 20 का पहाड़ा आता है पढ़ दो और 20 से डिवाइड कर दो, मतलब 20 का क्या कर दो, इसमें ऊपर में गुना कर दो। चलो 20 का गुना कर दो, यहाँ पर 20 का गुना कर दिया, यहाँ पर भी ब्रेकेट लगा के 20 का गुना कर दिया, यहाँ पर भी 20 का गुना कर दिया बच्चों, ये ठीक है। चलो 100 खत्म, इधर भी 100 खत्म, इधर भी 100 खत्म, इधर भी 100 खत्म, इधर भी 100 खत्म, 2 एकम मतलब 2 1 जा कितना हुआ, 2 और 2 5 जा 10 हुआ, मतलब 2 एकम 2 2 5 10 बोल सकता हूँ। फिर कितना आया भाई, ये खत्म, एक डिग्री सेल्सियस मतलब एक को एक लिख दिया डिग्री सेल्सियस, बचा क्या बटे में 5, इधर 2 एकम बोलो 2 * 18 हुआ, मतलब 2 9 से कितना हुआ भाई, इतना आया, तो ये इसको ऐसा लिख दिया, ये कितना हुआ बच्चों, ये भी 1 और ये 5। ये हुआ आपका शॉर्टकट तरीका, ये आपको याद रखना है। इसी फार्मूले से क्या होता है भाई, इसी फार्मूले से जिसकी जरूरत है उन दोनों को उठा लो, जो दिया हुआ है उसको रख दो और जो चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है।
चलो चर्चा करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं भाई, चलो देखते हैं भाई। और इसका शॉर्टकट में भी इसी को उठा कर क्या लिख देंगे, 9/5 डिग्री सेल्सियस एफ माइनस 32, ये भी लिखा जा सकता है। कुछ शॉर्टकट तरीका भी है, जैसे कि देख लेते हैं क्या है भाई, सेल्सियस फॉरनहाइट कन्वर्जन को कैसे लिख दिया है, डिग्री फॉरनहाइट को ऐसा भी लिख सकते हो। क्यों ऐसा लिख सकते हो भाई, चूंकि ये कहाँ से आया है, डिग्री फॉरनहाइट बराबर है डिग्री सेल्सियस इंटू कितना है बच्चों, इंटू 9/5। अब ये प्लस 32 है, इधर जा क्या हो जाता है भाई, ऋण 32 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हो भाई, ये ऋण 32 ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसी को मन करता है अगर तो फॉरनहाइट को सामने रख दो, फॉरनहाइट को सामने रख दो, डिग्री फॉरनहाइट माइनस 32 डिग्री, ये ऐसा, सॉरी 32 है ना ये ठीक है, इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5। यही कहां से आया था सर, यही उधर से आया था, जिसको क्या करते हैं 9 को हटा दो, ऐसा मिटा दो, ये दे ऐसा बच्चों, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा सर, ये 5 का 5 इसी नीचे में रख दो, ये ऐसा, और ये क्या था 9 जो है इधर था, ये कहां से आया भाई, पीछे से आया है, इसको लिया और इसको लिया, तो शॉर्टकट कई है लेकिन एक ही फंडा याद रखना, इसी से कई बार आप क्या कर सकते हो भाई, इसी को आप पूरा तब्दील कर सकते हो, बदल सकते हो, शॉर्टकट अपने से बना सकते हो, ये याद रखना। और ये कहां से है ये भी पता है आपको, मैं बता दिया हूं, ठीक है, ये सिंपल तरीका है। और इसका एक और तरीका है भाई, क्या जो ताप दिया हुआ है उसको लिखो माइनस न्यूनतम पॉइंट, ये भी एक फार्मूला है ना, गिवन टेम्परेचर माइनस अंतिम ताप पूरे का बट्टा हाई टेम्परेचर, मतलब क्या अधिकतम तापमान है ना, अधिकतम तापमान बटा अंतिम तापमान, ये इस फॉर्मूले से आया है भाई, अंतिम तापमान, ठीक है। के जगह हम के, माइनस के जगह माइनस, अंतिम तापमान कितना होता है भाई केल्विन वाले पैमाने में 273, अधिकतम तापमान कितना होता है भाई वो होता है 373, और माइनस कितना, सॉरी 373, और अंतिम तापमान कितना होता है सर वो होता है 273। अब 273 और 373 देखो माइनस कर दो कितना आता है, 100 आता है, और यही 100 को लेकर चला था, उसको फिर घूम फिर कर मैं पास किया था, समझ में आया। अगर ये इसमें डाउट होगा तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और एक्सप्लेनेशन दे दूंगा अच्छे से भाई, ठीक है। लेकिन ये सिंपल तरीका है, तो आपको आते ही होगा ये सोच चल रहा हूँ मैं, और आपको सिर्फ ट्रिक में लेके जाके क्वेश्चन कराने वाला हूँ भाई, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद बस कर लेना आप, ठीक है। चलो क्वेश्चन करने आना चाहिए आपको, चलो चलते हैं क्वेश्चन पे भाई, ठीक। ये कन्वर्जन समझ में आया बच्चों, चलो आप चलते क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फारेनहाइट होता है, सेल्सियस पैमाने पर यह कितना होगा, पूछ क्या रहा है, दिया क्या है फारेनहाइट दिया है सर, पूछ रहा है किसमें, सेल्सियस में, मतलब मुझे किसका किसका बात करना है, मुझे बात करना है इसका, फारेनहाइट और सेल्सियस को लेके चलना है सर, चलो चलते हैं भाई, सेल्सियस और फारेनहाइट को लेके चलो भाई। डिग्री सेल्सियस बटा क्या होता है 5, ठीक है। फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई कितना होता है बच्चों, डिवाइडेड बाई 9 होता है, देख लो भाई ये फार्मूला है, ये देखो ये वाला, ये दोनों को लेके चलना है, ठीक है। हाँ क्या बोला है, 98.6 फारेनहाइट है, देखो टेम्परेचर दिया है उसको लिखना है, और जो निकालना है उसको रख दो, 5 फारेनहाइट कितना भाई 98.6 माइनस 32 कर दो भाई, 9 का 9 रख दो, फिर डिग्री सेल्सियस का डिग्री जीरो नहीं है ना, डिग्री सेल्सियस है, 5 जो बट्टे में उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, गुना हो जाएगा, 5 इंटू कर दो, अरे 96.6 से 32 घटा दो भाई, 98.6 से 32.0 कर सकते हो, इसको घटा दो, 6 का 6 आ जाएगा, 8 में 2 घटाओ कितना आएगा भाई, 2 माइनस करोगे तो 6 आएगा, 9 में 3 मतलब कितना हो जाएगा 66.6, ये लिख दिया 66.6 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब क्या होगा, इसको इंटू कर दो, ये कितना हो जाएगा भाई, 5 6 कितना होता है 30 होता है, 3 5 6 फिर 30, 33 का 3 फिर 3 आया, 5 6 हो गया 30, 30 और 3 हो गया फिर आपका 33, 333 और इतना दशमलव कितने के बाद है, 1 के बाद, मतलब 333 बटा ऐसा 9, क्लियर हुआ। अब क्या आया, डिग्री सेल्सियस बराबर कितना आया बच्चों, डिग्री सेल्सियस बराबर आया सर 333 बटा 9। अब डिग्री सेल्सियस रख दो, 9 को पहाड़ पढ़ो भाई, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 आया, ठीक है, 9 3 27 आया, फिर कितना बचा सर, उसमें बचा 6 बचा, कितना हुआ 63 हुआ, 9 7 63 मतलब 37, क्लियर। डिग्री सेल्सियस बराबर कितना आया भाई 37 डिग्री सेल्सियस, क्लियर हुआ। तो 98.6 फारेनहाइट बराबर कितना होता है बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस,
क्लियर हुआ। इसलिए याद रखना भाई, बुखार उखार जब होता है तो क्या बोलते हैं भाई, न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए मनुष्य का, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए बोलते हैं, उससे बढ़ना नहीं चाहिए बोलते हैं ना भाई। तो 98.6 जो है फारेनहाइट में होता है, अगर डॉक्टर के पास फारेनहाइट वाला क्या है पैमाना है तो वो इतना बताएगा, अगर उसको सेल्सियस का पैमाना है तो 98.6 को क्या बोलेगा, 37 डिग्री सेल्सियस बोलेगा। समझ में आया, क्लियर हुआ भाई। आगे बढ़े और देखते हैं सर कुछ क्वेश्चन। निम्न तापमानों को अन्य पैमानों में परिवर्तित कीजिए, 14 डिग्री फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। अब दिया है सर सेल्सियस में कितना, 5 बाई फार्मूला कहाँ से आया है ये तो पता ही है। अब ये बनाना कैसे है बताऊँ क्या, बता भी सकता हूँ, अगर बनाना चाहो तो बना भी सकते हो भाई। क्या करना है सर, गिवन फार्मूला एफ बराबर डिग्री फारेनहाइट बराबर कितना दिया है, 14 डिग्री फारेनहाइट दिया है सर, ठीक है। मेरा फार्मूला क्या बोलता है सर, सी डिवाइडेड बाई 5 एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई कितना होता है, 9 होता है। अब एफ देखो निकालना है डिग्री सेल्सियस को, एक जगह रख दो डिग्री सेल्सियस को, इसको उधर 75 कर दो, 75 मतलब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 5 डिवाइडेड बाई 9 कर सकते हो, एफ माइनस 32 कर सकते हो, ये जहाँ के लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आगे का स्टेप कैसे होगा भाई, उसके बाद ये डिग्री सेल्सियस निकालना है सर, 5 बाई 9 होगा 14 माइनस 32 होगा, अब ये चूंकि माइनस में होगा घटेगा, कम से ज्यादा को घटा रहे हो, फिर माइनस 18 आएगा, फिर माइनस 18 को आपस में क्रॉस करने पर माइनस 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, जो कि आपका आंसर है। यहाँ तक बात समझ में आया भाई, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो पूछ दिया क्या, वो पूछता है सर कि 283 केल्विन को, 283 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में तब्दील करो बोल रहा है, बदल लो बोल रहा है ना, कितना होगा पूछ रहा है। चलो भाई देखते हैं, हल मतलब उत्तर या फिर आंसर क्या होगा सर, चूंकि मुझे बदलना किसको है भाई, केल्विन को सेल्सियस में, तो लेके क्या चलूंगा, फार्मूला लेके चलूंगा, वो क्या बोलता है सर, डिग्री सेल्सियस बराबर बटा 5, और केल्विन वाली बात क्या बोलता है, केल्विन वाला फार्मूला क्या बोलता है, वो बोलता है सर केल्विन माइनस 273 पूरे का बटा कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। चेंज करना है इसको, बात कर लेते हैं, चूंकि ये डिवाइड में ही दिख रहा है, ये इधर जाके क्रॉस कर लेता है, अगर नहीं पता आपको तो मैं बता देता हूँ कैसे होता है। ये हो गया, फिर डिग्री सेल्सियस क्या निकालना है, रख दिया 5 इधर गुना हो जाएगा सर, के माइनस 273 हो जाएगा ये, अब डिवाइडेड पूरे बटा 5 है, फिर 5 5 कैंसिल, वही तो किया था मैं पहले स्टेप में, फिर डिग्री सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस, अब के माइनस 273 का 273 कर दो, फिर डिग्री सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस, चूंकि के आपको दिया है क्या, हाँ सर 283 दिया है, 283 रख दो, माइनस 273 कर दो, चूंकि मुझे पता चलता है सर 83 में 73 घटाने पर 10 आता है, तो आता ये क्या पता चला कि जो कैल्विन में बदलने पर ये कितना है सर 10 डिग्री सेल्सियस। अतः ये बोल सकता हूँ सर कोई ये बड़ा भारी वो नहीं है, डिजिट नहीं है, उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, वो तो 10 डिग्री सेल्सियस बस ज्यादा है। क्लियर, यहाँ तक की बात समझाना था बच्चों, जो कि आपको समझ में आया गया भाई, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, 2-3 क्वेश्चन और कर सकते हैं इसका। हाँ अब देखो ये पूछा है, इसका एक और क्वेश्चन था, वह तब ज्ञात किया जो सेल्सियस और फारेनहाइट में समान है। हाँ इस पर चलेंगे, अच्छा अच्छा मजेदार क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि हाँ हमने क्या किया, फारेनहाइट को सेल्सियस में बदल दिया और केल्विन को भी सेल्सियस में बदल दिया, क्यों ना सेल्सियस में जो दिया है सर उसको फारेनहाइट में बदल दे। चलो भाई कर लेते हैं, अब सेल्सियस में कौन दिया, चलो लेके चलते हैं भाई, हम चलते हैं 37 का डबल ले लो, 37 का डबल कितना होता है बच्चों, 37 दूनी करो, ये हो गया 4 1 3 6 1 7 74 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, चलो केल्विन तथा फारेनहाइट में बदलो, बदलिए, ये क्वेश्चन है भाई, क्या होगा आंसर, 74 डिग्री सेल्सियस को केल्विन तथा फारेनहाइट में बदलिए, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सर हल, चूंकि मुझे पता है सर, क्या पता है भाई, फार्मूला क्या बोलता है, डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 5, और क्या बोलता है, वो बोलता है क्या बताओ भाई, डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 पूरे का बटन 9, फिर क्या बोलता है, बराबर का बराबर, फिर बोलता है वो केल्विन माइनस 273, कौन बोलता है करके मत बोल देना भाई ना, फार्मूला है हमारा, वो क्या हुआ है डिवाइडेड बाई 5। अब मुझे जो आंसर चाहिए वो लेके चलूंगा सर, अब सबसे पहले डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो ये दोनों को लेके चलूंगा, दोनों भाई को लेके चलूंगा, ये वाला भाई और इसके ये वाला भाई को लेके चलूंगा, ठीक है। फिर केल्विन तो निकाल दूंगा, फारेनहाइट की जब बारे में बात आएगा तो फिर डिग्री सेल्सियस दिया है, ये दोनों को लेके चलूंगा, तो बारी बारी चलते हैं भाई। चलो सबसे पहले डिग्री सेल्सियस और केल्विन की बात कर रहे थे, तो चलो क्या पता चलता है मुझे,
मुझे पता चलता है सर ये जो है डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 5 और केल्विन माइनस 273 बटे का कितना था भाई आपका 5 था, डिग्री सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस, 5 का 5, के माइनस 273 पूरे का बट्टा 5, 5 5 कैंसिल, डिग्री सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस, के माइनस 273। चूंकि मुझे क्या पता है सर, मुझे पता है डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस को रख दो, उसका वैल्यू कितना है भाई, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू है 74, रख दो 74 बराबर के माइनस 273। चाहिए क्या हमें, हमें चाहिए के, चाहिए कैपिटल के चाहिए, तो कैपिटल के को रख दो, इसको माइनस 273 को इधर ले जाओ, है ना, माइनस में तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 74 प्लस 273 इक्वल टू के, क्या आएगा बच्चों बताओ, यहाँ पर सर जोड़ दो क्या आ जाएगा, 273 में आपको क्या जोड़ना है भाई, 74, यही जो है के का वैल्यू है, 4 3 7 7 4 14 का 4 हासिल आ गया, 1 बोल दो 2 1 3 ये 347 है ना, 347 केल्विन जो है क्या है भाई इसका आंसर है, कितने का आंसर है सर, कितना डिग्री सेल्सियस का, 74 डिग्री सेल्सियस का आंसर जो केल्विन में कितना होगा टेम्परेचर उसका, 347 केल्विन, बात समझ में आई भाई, क्लियर। चलो अब देखते हैं आगे, अब फारेनहाइट में कैसे बदलो, रख दो भाई ये दोनों फार्मूला रख दो, डिग्री सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस, 9 का 9, एफ माइनस 32, एफ में रख दो एफ, माइनस का माइनस, 32 का 32, 9 का 9। चलो ये 5 था, अरे 5 है ये, 9 कर रहे हैं, 5 का 5, चूंकि मुझे पता है 74 रखना है, डिग्री सेल्सियस की जगह हम 74 रख दो बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब इसको गुना कर दो इधर, मतलब ये हुआ डिग्री सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस, गुना का गुना, 9 का 9 पूरे का बट्टा 5 बराबर में एफ माइनस 32 बचा, ठीक है, इसको मैं इधर किया, तो फिर अब मुझे एफ बस को निकालना है इसका वैल्यू को, तो उसको अकेले रखना पड़ेगा और उसको इधर ले जाना पड़ेगा, किसको, माइनस 32 को ले जाते हैं, फिर 9 का 9, 5 का 5, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू पता है क्या, रख दो 75 कर रहा हूँ, देख रहा हूँ 74, ठीक है, फिर माइनस 32 था, प्लस 32 कर दो सर, बराबर का बराबर, एफ का एफ रख दो, ठीक है, फिर क्या होता सर, 9 चौक कितना होता है भाई, 9 चौक 36 का 6 लिख दो, हासिल आ गया 3, 9 7 63 3 63 हो गया 66, 666 और डिवाइडेड बाई 5, प्लस 32 का 32 इक्वल टू एफ के बराबर में चल रहे हैं, फिर चलो देखो भाई 6 6 6 बटा 5 प्लस 32 का 32 बराबर में एफ है, 5 एकम 5 एकम, ठीक है, फिर ये कितने हुआ, 16 हुआ, कितना हुआ भाई 3, फिर ये कितना किसमें गया, एक इसमें गया, 16 हुआ 3, कितना बचा भाई, 1 बचा 2 हुआ, ठीक 10 हुआ, तो ठीक यहाँ तक की बात समझ में आई, एफ बराबर 133.2 प्लस 32 बचा, लिख दो 133.2 प्लस 32 इक्व टू एफ, अब ये इसको जोड़ दो कितना आएगा सर, ये हो गया 3 2 5 3 3 6 और ये 1.2 बराबर फारेनहाइट, अतः मैं क्या बोल सकता हूँ सर, मैं 74 डिग्री सेल्सियस को 165.2 फारेनहाइट बोलूंगा जब मैं डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलूंगा, ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई, क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों, ये इस प्रकार तब्दील या फिर बदला जाता है केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में, डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में, फारेनहाइट को भी डिग्री सेल्सियस में, क्लियर है ना, इजी है भाई, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपना डाउट्स और फिर जो भी आपको कहीं पे दिक्कत हो ये बता सकते हैं भाई। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चलो वह तब ज्ञात कीजिए जो सेल्सियस व फारेनहाइट में समान हो, अब देखो अब इतने टाइम से हमने क्या डिस्कस किया कि 273 केल्विन उसका और उसका जीरो, किसका जीरो, डिग्री सेल्सियस का जीरो, 273 केल्विन वाले पैमाने का 273, उसका कितना होता है 32 होता है सर लास्ट, मतलब क्या हिमांक वाले जो बिंदु है जिसके बाद बर्फ बनता है वो तो पता ही है, क्या कुछ ऐसा टेम्परेचर है सर जो दोनों में क्या हो भाई, जो सेल्सियस और फारेनहाइट में समान हो, क्या हो सकता है, दिमाग लगाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं सिंपल फंडा होता है, माना हुआ टेम्परेचर एक्स है बोल दो, उसके बाद दोनों बराबर रख दो, फार्मूला पुट करने पर आंसर आ जाएगा, चलो चलते हैं भाई डिस्कस करते हैं, माना कि वह ताप एक्स है सर जो सेल्सियस और फारेनहाइट में समान है, सी बराबर कर दो एक्स, एफ बराबर कर दो एक्स, क्यों, क्योंकि आपको टेम्परेचर कितना पता चला भाई एक से ही पता चला है, अब फार्मूला क्या बोलता है सर, लिख दो डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू, बोलो भाई क्या होता है बच्चों, ये होता है सर आपका डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 होता है, जो कि आपका फार्मूला है, अब डिग्री सेल्सियस का वैल्यू रखना है एक्स डिवाइडेड बाई 5, एफ कितना है सर ये भी एक्स है, माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9,
क्लियर। अब क्या होगा, यहां से लिखना चालू करो ना, इसका मतलब ये बता रहा है। फिर ये जो है क्या कर दूं मैं, इसको तिरेक गुना कर दूं क्या, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना। फिर क्या होगा सर, ये हो गया 9 गुना x, मतलब 9x इनटू क्या हो जाएगा भाई, ये इधर बराबर में 5x माइनस 32, ठीक। फिर 9x का 9x रख दो, 5x इधर हो जाएगा, इनटू हो जाएगा अंदर, तो फिर 5 2 जा 10, फिर 5 3 जा 15 और ये 60 हो जाएगा, क्लियर। अब जो दो दोस्त दिख रहा है उसको एक साथ रख दो, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई 9x जो है बराबर के उस पार में इधर आया, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 5x हो जाएगा बराबर माइनस 160 है, क्लियर हुआ बच्चों, यहां तक समझ में आया। फिर ये हो जाएगा सर 4x हो जाएगा माइनस 160 हो जाएगा। फिर चाहिए क्या हमें, x की वैल्यू चाहिए सर, तो x का वैल्यू x रख दो और ये इसके साथ क्या है इनटू में, इधर जाकर क्या हो जाएगा सर डिवाइड में हो जाएगा, माइनस 160 कर दो डिवाइडेड बाय 4 कर दो। चलो आप 4 का आपको टेबल याद करो, 4 1 जा 1 कितना होगा भाई, 4 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 हुआ, ये 0 का 0, तो कितना है बच्चों x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया माइनस 40। अब इसको डिग्री सेल्सियस में बोलो, x बराबर माइनस 40 फारेनहाइट। तो क्या समझे बच्चों, अतः मुझे ये पता चला सर कि जो माइनस 40 है ना, जो माइनस 40, देखो माइनस सब तो सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस 40 आना चाहिए हाँ। तो अतः मुझे पता चला सर कि जो माइनस 40 जो वैल्यू है वो डिग्री सेल्सियस में भी और फारेनहाइट में भी बराबर रहता है उसका वैल्यू, क्लियर हुआ। तो इस प्रकार हमने भाई जो बेसिक्स क्वेश्चन थे जो आता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में चर्चा कर लिया। आपको कुछ भी दिक्कत होता है बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बच्चों, अगर कुछ और रिक्वायर्ड रहेगा तो आप हमसे मांग सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर आप डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। तो जैसा कि हमारा एग्जाम सिलेबस 2023 चल रहा है बच्चों, उम्मीद है मुझे कि आप सब ने अच्छे से इसका एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे समझ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बिल्कुल मेहनत कर रहे होंगे भाई। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो बच गया पोर्शन उसके बारे में, जो कि 2 से 3 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं, धन्यवाद।